तो फ्रेंड्स बहुत खुशी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे एक और गिफ्ट रिसीव हुआ है अपने सब्सक्राइबर से, जिन्होंने अपना नाम बताने के लिए किया है मना, कि वो कहते हैं मेरे रिलेटिव से उससे गिफ्ट्स मांग लेंगे कि तू हमें तो गिफ्ट नहीं देता, वहां तूने गिफ्ट दे दिया। तो फ्रेंड्स फिर भी मैं नाम बोल दूं, दीक्षा सनी जी ने दिया है, हम फुल नेम नहीं देंगे। हाँ तो चलिए खोल के देखते हैं। थैंक यू सो मच सनी जी, आपने गिफ्ट भिजवाया। क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, मुझे क्या पता क्या है, खुलेगा तो पता चलेगा क्या है भाई। ये तो एक और पैकिंग है अमेज़न की। वाओ दिस इज सो नाइस, मतलब बड़ी अच्छी पैकिंग लग रही है, एक बार दिखाना थोड़ा सा क्लोज पैकिंग। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है पैकिंग, मुझे लग रहा वो होगी ये मैग्नेट। मैग्नेट मैंने देखो आपको पहले ही बोल दिया था, बहुत पहले, बट बाकी देखते हैं क्या है। मुझे कि मैग्नेट होगी, स्वीट मॉम को मैग्नेट्स बहुत ज्यादा पसंद है एंड दीक्षा को चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो देखते हैं किसकी पसंद का है। भाई ये तो टेप नहीं उतर रही, फ्रेंड्स टेप नहीं खुल रही है, वेट वेट वेट। ये पैकिंग तो मैंने कुछ कुछ खोल लिया है, लेकिन इसके ऊपर कोई स्लिप भी है जिसमें कोई मैसेज लिखा हुआ है, जिसमें कोई मैसेज लिखा हुआ है। तो लाओ मैं पढ़ के बताऊं, छोटा है तो मैं पढ़ नहीं सकती। लिखा है हार्टियर कांग्रेचुलेशन। चलो ये दीक्षा पढ़ देगी आपको। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। इस पे लिखा हुआ है हार्टियस्ट कांग्रेचुलेशन, मे लॉर्ड्स ब्लेसिंग ऑलवेज रिमेन ऑन योर फैमिली एंड डियर वंस, विश यू लॉट ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। सो थैंक यू सो मच। एंड स्वीट मॉम करती हैं अब इसको अनबॉक्स। ये मैसेज रख लेना, तो मैं रख लूंगी। क्या है क्या है क्या है, मूर्ति सी लग रही है आई थिंक। वाओ कितने प्यारे राधा कृष्ण जी हैं, दिखाना। ओ वो ये तो झूला झूलेंगे है ना, आई थिंक। हाँ ओए दिखाना मम्मी, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा गिफ्ट है। फ्रेंड्स देखिए राधा कृष्ण जी हैं और बहुत प्यारे, एक बार इनको निकालोगे पैकिंग में से। ये गाड़ी के लिए है, देखिए नीचे बोल दिया हुआ है। हाँ ये मेन है गाड़ी के लिए, बहुत प्यारा गिफ्ट है। ये देखिए झूल भी रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए बहुत प्यारा गिफ्ट हमें हमारे सब्सक्राइबर से रिसीव हुआ है। डैम जस्ट कांट बिलीव यार, बहुत बेस्ट फीलिंग है ये। थैंक यू सो मच, थैंक यू। काफी प्यारा गिफ्ट है, काफी प्यारा गिफ्ट है। थैंक यू सनी बेटा, थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत खुशी हुई आपका गिफ्ट देख करके, और ये गिफ्ट बहुत ही प्यारा है, हम अपनी कार के अंदर मैं इसको जरूर लगाऊंगी। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, और आज मेरे भाग जागे हैं। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि 12 साल में तो कुड़ी के भी भाग जागते हैं, तो शायद मेरे 12 साल हो चुके हैं, तो मेरे भी आज भाग जागे। आज छुट्टी के दिन मेरे हिटलर हस्बैंड जी ने बोला कि चलो बाहर से नाश्ता मंगवा लेते हैं, तो फ्रेंड्स मेरे तो जाग गए भाग। लेकिन मैंने बनाया है लंच, तो आप देख सकते हैं ये बनाया है मैंने सांभर, और ये बनाए हैं मैंने वड़े। अभी ये वड़े अध कच्चे हैं, एक बार और तले जाएंगे, और इसके साथ ही बनाई है मैंने इडली। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरी इडली, और ये रही मेरी नारियल की चटनी। तो चलिए फ्रेंड्स हमने बाजार से मंगवाए हैं छोले भटूरे और बेड़वी पूरी, तो चलो आवाज़ मार लेते हैं ऊपर वालों को। फ्रेंड्स मैं हमेशा ऊपर वालों को सिर्फ सामान के लिए ही आवाज़ नहीं मारती, उनको खाने के लिए भी बुलाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मार लेते हैं आवाज़। ना कौन छोले भटूरे। फ्रेंड्स मैंने उनके लिए भी मंगवाए हैं छोले भटूरे, जैसे कि हमारे घर में छोले भटूरे आए हैं, तो वो लोग भी आएंगे और जीमेंगे छोले भटूरे। देखिए छोले भटूरे आए हैं हमारे यहाँ, ये छोले हैं, और ये रही सब्जी आलू की, बेड़वी पूरी आई हैं। तो चलिए जाग गए मेरे भी भाग। नकुल आया नहीं छोले भटूरों के लिए। चाची मैं नहीं खाता छोले भटूरे, मैं हेल्दी खाता हूँ। तू कब से हेल्दी खाने लग गया? मैं तो घर मैदा खाती नहीं हूँ, तुमने शक्ल तो दिखा। नहीं, मैं अपनी शक्ल से दिखाऊं।
क्यों विजिबल इनविजिबल हो गए? देखिए फ्रेंड्स, ये लटकी गर्दन कह रहा मैं हेल्दी खाना खाता हूँ, अभी ये खाएगा ना तब दिखाऊंगी मैं, ये ड्रामे कर रहा है ये। देखिए ऊपर वाले आ चुके हैं छोले भटूरे खाने के लिए, छिप छिप के इसलिए आ रहे हैं कि क्योंकि ये मना कर चुके हैं वीडियो में। छोले भटूरे नहीं खाते हैं, ये छोले भटूरे बहुत अनहेल्दी होते हैं और किसी को भी नहीं खाने चाहिए, सिर्फ टेस्ट के लिए कभी कभार खा सकता है इंसान, पर रोज। तुम्हारा तो वो वाला हाल है पूवनी पार्वती, 36 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कितने चूहे खा के? 25 या 36? हम कोई चूहे वो नहीं खाते, हम छोले भटूरे खाते खाते सैलेड खाते हैं हम, ठीक है। और ऐसे नबी मैंने सुना आज वीडियो में तेरी बड़ी तारीफें आई है, क्या बात है? चाची तारीफें तो मेरी आती रहती है। ओहो तारीफ के लायक है। तो छोले भटूरे फिर ये वीडियो में नहीं दिखा रहे थे खाते हुए? मैं खा ही नहीं रहा जब। फ्रेंड देखिए ये कह रहा है चाची मेरी वीडियो मत बना रहे जब मैं छोले भटूरे खाऊंगा। मैं खाई नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ बना लो वीडियो, बना लो, मैं खाई नहीं। भाभी जी, बाबे जे, इडली बड़े खा रही हो? इडली बड़े आ जाओ खा रहे हो ऊपर वालों हैं? आवाज नहीं आ रही। आने के नाम पर भी ऊपर वाले कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमारी रेपो हो गई है डाउन, आवाज मार मार के तो वो आ नहीं रहे हैं। तो हिटलर हस्बैंड जी के लिए मैं दे रही हूँ लंच। ये लग गई है मेरे गोपाल जी की प्लेट, इडली है, वड़ा है, सांभर है, चटनी है, तो मैं जा रही हूँ उनको भोग लगाने के लिए। जी खा रही है सांभर वड़ा, इनका बहुत पसंदीदा है सांभर वड़ा, और साथ में हिटलर हस्बैंड जी भी खा रहे हैं सांभर वड़े। सांभर वड़े खाऊंगा, इडली तो दी नहीं तूने मुझे। इडली रात को खाना, मैं सारा दिन यही थोड़ा करूंगी, मेरे को भी तो छुट्टी चाहिए। बनी है बेबी, इडली भी बनी है, पहले वड़े तो खा लो। तो इडली भी दे दो एक आधी। इडली रात को खा लेना। नहीं इडली भी अभी दे दो। अरे दीक्षा नोनू कहाँ गई तूने? मैंने कैमरा ऑन कर रखा है, लोग बोर हो जाएंगे खाली क्या कर देख के हमारा। मम्मी आपकी आवाज सुनते रहेंगे, लोग बोर नहीं होंगे। फ्रेंड देखिए ये चल दी है, ये धनुष बाण टांग के कहाँ चल दी आप? दीक्षा धनुष बाण टांग के कहाँ चल दी? हिरण का शिकार कर। मम्मी घर में एक्सरसाइज नहीं हो पाती मेरी, सब कुछ हटाओ तो मैंने सोचा मैं बैडमिंटन खेलूंगी डेली। पहले मैं खेलती थी ना अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर कोरोना के चक्कर में मैंने बंद कर दिया था, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला भाई दोबारा शुरू कर लेते तो पतले हो जाएंगे, और थोड़ा सा एक फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए डेली की। पापा के लिए भी बहुत जरूरी है, ले जा पापा को। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें तेरे साथ हो। गुल्लू तो देखो ना, देख ले ना मोतू। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, जन्नतें सारी तेरे साथ हो। मुझे गाना क्यों नहीं आता? अरे अच्छा, अरे अच्छा। ऊपर वाले आ गए हैं चप्पलें मांगने के लिए, इनको वैली चाहिए। अब ये सोनिका के लिए चप्पल मांगने आए, वो फंक्शन में जा रही हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये चप्पल भी मांग लग गए हमसे ऊपर वाले, बैलियाँ। जरा डिज़ाइन दिखाना ला के कैसी हैं बैलियाँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये बैली फंक्शन में जाते हैं तो ये सामान भी मांगने आ जाते, देखिए बैली मांगने आ गए हैं। अब ये पॉलिथीन भी लेंगी हमारी रसोई से, बताइए। दीक्षा मांग रही है। ये देखिए फ्रेंड, बिना पूछे चल दिए हमसे बैलियां लेके, हमारी किचन से थैली भी निकाल ली। परमिशन की इनको कोई जरूरत नहीं है, चल दी। गुल्ला जी हमारे घर आ चुकी हैं। गुल्ला बाबू नोना बाबू चोना बाबू बहुत ही स्वीट है यार ये तो। हेलो गुल्लू जी। फ्रेंड्स हमारी गुल्लू अब खड़ी भी होने लग गई है। ओ गुल्लू स्टैंडिंग, मेरे गुल्ला चोना बाबू, देखो खड़ा हो गया गुल्ला। गुल्ला आजा 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 आजा। अरे
पारी, गुल्ला करो पारी। ये गुल्ला आ गया आज हमारे घर में, मेरे बाबू आ गया, चोनू आ गया, नोनू आ गया, नानी ने भी कैप ओढ़ी है, गुल्ला ने भी कैप ओढ़ी है, नानी ने भी। गुल्ला बाबू, चोन बाबू, नोन बाबू, आया मैं उड़ के आया मैं गुल्लू, नानी के घर पर आया हूँ, नाचूंगा मैं तो, नाचूंगा मैं तो नानी के घर। नानी के घर आए हैं, मोटे होके जाएंगे। आया हूँ मैं नानी के घर पे, आया हूँ। पारी करो गुल्ला, पारी 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 करो, पारी पारी पारी। मेरा बच्चो, मेरा मक्कू, तेरी मम्मी छोड़ गया तेरे को गुल्लू, हैं? छोड़ गया हमारे घर। गुल्लू क्यूट है या गुल्लू की मम्मी क्यूट है? गुल्लू की नानी भी क्यूट है, मम्मी मम्मी नहीं है, गुल्लू क्यूट है, गुल्लू की नानी क्यूट है। जो बीच की जनरेशन है उसको हटा दो, बुढ़ापे की जनरेशन देखो और बचपन की जनरेशन देखो, बीच की जनरेशन तो बेकार है। हमारा गुल्लू क्यूट है, गुल्लू की नानी क्यूट है ना। गुल्लू मैंने तुझे पारी करनी सिखाई थी, तू दो दिन में सब भूल जाती है। पारी कर, पारी पारी कर। गुल्लू को सॉरी करनी। देखो फ्रेंड्स, मेरी गुल्लू आ गई है, कैप ऊपर करो गुल्लू। देखो सामने, देखो कैमरे में गुल्लू, गुल्लू हेलो करो, हेलो करो, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ब्लॉग, मैं गुल्लू बाबू के साथ स्टार्ट कर रहे हैं अपना ब्लॉग। करे मेरी गुल्लू स्टार्ट करेगी आगे से, तो खड़े हो जाओ, खड़े, ओए ओए ओए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जी हाँ, ये ड्राई फ्रूट रखे हैं, काट लो इनको, लड्डू बनेंगे। मेरा यही काम रह गया क्या? अभी तो आया हूँ थकार के, कटर दे दे। अरे कटर क्या करोगे, मुंह में तुम्हारे मेवा नहीं आएगी तो मुझसे लड़ोगे, थोड़े मोटे मोटे चक्कू से काट लो। तो ये साबुत ही खा लेता हूँ, फिर मुंह में आ जाएंगे। खा लो फिर, तुम्हारी मर्जी है। अब तुम्हें कटर चाहिए, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो ये 1000 रुपए कटर लाया किस लिए हूँ फिर मैं? ओहो, तुम और 1000 है कटर। हाँ, तुम्हें पता भी है कितने का आया था? 1000। 1000 लो काटो। सारे काम मेरे से ही कराइयो, जो मैं लगी पड़ी हूँ अंदर किचन में तुम्हारे वो बनाने के लिए रोल के लिए, मेरा टाइम वेस्ट। और देख लेना, चूरा मत कर देना, ढंग से काट लेना। अब चूरा हो या कचूरा हो मेरे को नहीं पता, ढंग से लखन से काम सीख लो करना। हाँ, आज तक मैंने काम थोड़ी करे घर के। सीखा है तुमने अपनी मम्मी से। मैं देखो कितना काम सीख गई अपने घर से। थोड़ा सा आगे कर लो, सारी मेवा नीचे गिरेगी। ये चक्कू लेके जाओ, ये इधर रखो, नीचे जाएगा सारा। फ्रेंड्स बस ठीक है, जैसे ये करना है। नकुल बेटा लड्डू खा ले, देख मैंने लड्डू बनाए हैं। मेरे लिए बनाए हैं चाची? हाँ नकुल, तेरे लिए बनाए हैं, खा ले। फ्रेंड्स देखो हमारे में कितना प्यार है, चाची ने मेरे लिए स्पेशली लड्डू बनाया और मैं लड्डू खा रहा हूँ। अब ये सारे लड्डू मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये बनाए हमने लड्डू, स्पेशल तिल के लड्डू, तिल के लड्डू, लड्डू बाबू लड्डू। खाओ नकुल गोयल लड्डू, बहुत टेस्टी है। नकुल आपके ऊपर बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, आप जॉली नेचर के हो, आप बहुत स्वीट हो भाई। अब लोगों को लगता है हूँ भाई जैसी पर्सनालिटी। हाँ, लोगों को लगता है, तूने कहा लगता है यानी कि है नहीं ऐसा, लगता है यानी कि दिखाता कुछ और है, और है कुछ और। मैं हूँ क्या नॉर्मल? हाँ गुल्लू तू बता बाबू ये क्या हो रहा है, नकुल गोयल की कैसे तारीफ हो रही है? गुल्ला बाबू, मेरा चोना बाबू, मेरा घंटू बाबू, मेरा मंटू बाबू, मेरा पुन्ना बाबू, मेरा नुन्ना बाबू बच्चा।